बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज मैं आपसे पिस्ता नेशनल का पिस्ता खीर मिक्स जो है वो उसका रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो देखते हैं ये कैसा बनता है। पीछे सारा मेथड लिखा हुआ है कि 1 लीटर दूध को पहले हमने जो है हल्की दरमियानी आँच पर बॉयल कर लेना है, फिर उसमें इस पैकेट को डालकर मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको दूध में शामिल करना है और दरमियानी आँच पर हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है। और जो है ये है चम्मच हिलाते रहना है तो हमारा नेशनल का जो ये खीर मिक्स है पिस्ता खीर मिक्स के रेडी हो जाएगा। तो आए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसी बनती है। क्योंकि आपको जब मैं ये शेयर कर रही हूँ हम ये खा चुके थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़े की बनी थी। मैं नहीं कहूँगी बहुत अच्छी थी लेकिन हाँ मज़े की थी, अच्छी थी। जो घर की खीर होती है ना रबड़ी टाइप वो नहीं थी लेकिन अच्छी थी। और दूसरी चीज़ आपको बात बताऊँ कि आपको इंस्टेंट कुछ बनाना हो, कोई ईद है, कोई त्यौहार है और आपको तैयार भी होना है और कोई इंस्टेंट कोई आ गया है, कोई इंस्टेंट मीठा बनाना है या कुछ इंस्टेंट खाने का दिल चाह रहा है, जैसे कि हम अपने लिए बना रहे थे जिसमें कोई वो नहीं था कि किसी को आना था या कोई इवेंट नहीं था तो अच्छा था। अब ये देखिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, मैं कॉन्टीन्यूसली इसको स्टर करती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, ठीक है। और आग भी तेज़ नहीं रखनी हमने। अच्छा अब मुझे ना मतलब एक चीज़ याद आ रही थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है अगर समझ आ जाए तो। हम समझते हैं इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, इट इज़ दैट ईजी। समटाइम्स इट्स नॉट दैट ईजी, इन फैक्ट इट्स नेवर ईजी। अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को छोड़ना, अलग होना, ये वो अल्लाह ताला ख़ुद अलग कर देते हैं अगर कोई दो लोगों में से एक मुनाफिक हो तो। और हाँ बाज़ लोगों की मुनाफ़िकत ऐसी होती है जो आया नहीं होती लेकिन अल्लाह पर तो आया हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों की फितरत आपस में मैच कर रही होती है। लेकिन कुछ लोगों की फितरत इतनी साफ़ होती है और शफाफ होती है कि अल्लाह ताला कभी भी मुनाफिक और मुखलिस को नहीं जोड़ते। तो ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा और अल्लाह के फ़ैसलों पर हमेशा यकीन रखें। हम कुछ नहीं हैं, हमारे आमाल कुछ नहीं हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ही है। अच्छा दूसरी तरफ मुझे करेले पकाने थे तो मैंने सोचा साथ साथ मैं करेले की जो रिंग्स हैं इनको भी फ्राई कर लूँ क्योंकि खाने में भी देर हो रही थी। मीठा बनाकर तो इंसान फ्रिज में रख देता है ना, तो खाना बनाने में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो मीनवाइल मैं इसको भी फ्राई करती जाती हूँ और उस तरफ जो है अपनी खीर मिक्स की रेसिपी भी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो बहरहाल इसको आप जितना चाहे थिक कर दें लेकिन बहुत ज़्यादा थिक ना कीजिएगा क्योंकि इस तरह के मीठे जब ठंडे होते हैं ना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसको चांदी के वर्क से पिस्ते बादाम से गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ बादाम क्रश कर ऊपर डेकोरेट करी हूँ क्योंकि छोटे छोटे पिस्ते इसके अंदर ऑलरेडी डले हुए थे। ऑब्वियसली है ही पिस्ता खीर तो कोई चीज़ ओवर डू नहीं करनी थी मुझे, इसलिए मैंने इसके ऊपर बादाम गार्निश कर दिया। जो आप देख रहे हैं ये है मेरा लेट नाइट मंचिंग का सामान जिसमें है मेरे पास ये पेप्सी स्ट्रॉन्गर फिजियर और स्ट्रॉन्गर पेप्सी और साथ चॉकलेटो है एक अदद और साथ जो है लेज है। तो ये नमकीन मीठे और बेवरेज का एक अच्छा जो है वो कॉम्बो है जिसको मैं अपनी मूवी देखूंगी कोई अच्छी सी या कोई ड्रामा देखूंगी उसके साथ इंजॉय कर लूंगी। तो ये कभी कभी आपको मी टाइम ज़रूर इंजॉय करना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते ना तो आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मैं ये बस इंजॉय करती हूँ और हम चलते हैं व्लॉग में आगे। और आज मैं आपसे अपनी एंकलेट्स भी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जो एंकलेट्स वाला क्लिप है ना वो पहले का है तो आपको जो वीडियो की जो वीडियो की रेजोल्यूशन है या जो वीडियो का क्वालिटी है ना उससे अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो मुझे इतनी पसंद थी ना कि मुझे शेयर करनी थी तो बस मैंने शेयर कर दी। अच्छा ये देखिए ये मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा है। ये जो कटलेट्स है ना ये इसने बहुत मज़े के बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आलू है, चिकन है, मटर है, बंद गोभी है, गाजर है और शिमला की मिर्च है।
और शी हैज़ कट इट वेरी नाइसली, और बहुत मज़े के थे, और उसने ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के समथिंग बनाए हुए थे। मैं इंशाल्लाह अपनी फ्रेंड से इस कबाब अपनी फ्रेंड किरण से इनकी रेसिपी लूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, वो सदकाएँ जारियाँ होती हैं। और ये जो है रेसिपी, ये तो चाइनीज़ चावल है जो उसने भेजे थे बना के, हालाँकि मैंने भी आज चावल ही बनाए थे, मैंने बिरयानी बनाई थी वन पॉट बिरयानी, तो फिर मैंने उसके इसी प्लेटर में जो है, ज़ाहिर है मैं हाल ही नहीं भेज सकती थी, मेरी अम्मी कहा करती थी कि बर्तन कभी भी हाल ही नहीं भेजने चाहिए, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसीलिए मैंने जो है उसको फिर बिरयानी डाल दी थी, ये मैंने बिरयानी उसको डाल दी है, वो अकेली थी तो बस मैंने इतने ही उसको डाल दिए थे, असल में मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत दिन ज़्यादा नहीं बनाती खाना ताकि वेस्ट ना हो जाए, मैं इतना बनाती हूँ जितना यूज़ हो जाए, तो मैंने इसलिए उसको फिर डाल के भेज दी। वो मना कर रही थी, कहती है कि ज़रूरी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं बात ज़रूरी है, कम की नहीं होती बात, जो है वो मोहब्बत और खलूस की होती है, किसी की मोहब्बत के मोहब्बत और खलूस को हम खाली हाथ नहीं लौटा सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी ये देखिए, ये बंद गोभी शिमला की मिर्च और गाजर है, तो मैं इसे कट करने लगी हूँ, और मैं इसे क्यों कट कर रही हूँ, मुझे रेसिपीज़ बनानी है समोसों की या डिफरेंट डिफरेंट चिकन चीज़ बोटी रोल वगैरह की, तो रेसिपीज़ आपके साथ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड और मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। वीडियो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माय एंकलेट कलेक्शन, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो है वो मेरे लिए ख़ास है, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स से शेयर करूं। तो जी ये है मेरे एंकलेट के क्यूट क्यूट से माशाल्लाह बॉक्सेस, और इनमें मैंने रखी हुई हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये पेयर ऑफ सिल्वर एंकलेट्स, और ये मुझे बहुत पसंद है, और इनकी छनछन भी बहुत अच्छी होती है। वैसे तो जो एंकलेट्स हैं पाजेब होती हैं वो बहुत कैजुअली जो है वो नहीं पहनी जाती, मैं इनको अगर पहनूं भी तो फंक्शंस वगैरह पे ही पहनती हूँ, या कभी ईद पे पहन लिया, क्योंकि मतलब इस्लामिकली भी इसको ज़्यादा मतलब क्राउडेड एरियाज़ में पहन के नहीं जाना चाहिए, तो ऑफिस नहीं घर में आप पहन सकते हैं, फंक्शंस पे पहन सकते हैं। तो ये देखिए ये गोल्डन है, वो सिल्वर थी, और इसमें जो है ना इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, मतलब जो सिल्वर और गोल्डन में है ये चंचल नहीं करती। हेयर कम्स अनदर पेयर, और ये जो है ना ये है मल्टी कलर की, पहले गोल्डन थी फिर सिल्वर, और ये है मल्टी कलर में, और ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, आप देख सकते हैं इसमें सब कलर्स हैं, और ये भी चनचन करती हैं, और ये माशाल्लाह से पहनी हुई बहुत प्रिटी लगती हैं। मैंने पिक भी अटैच किए थंबनेल में, आपने देखी होगी, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए ये भी सिल्वर में है। अच्छा ये मैंने जब हम अपने कॉलेज में होते थे, और यानी कि जब टीन एज में थे ना बेसिकली, तो उस टाइम पे जो एक पायल पहनने का होता था ना, मैं वो भी बहुत शौक से पहना करती थी, तो मुझे अच्छी लगती है। अगर कोई पूछे कि आपको ज्वेलरी में क्या पसंद है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑर्नामेंट विच आई वुड लव टू वेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही नफीस सी गोल्डन में है, ये आप कैजुअल भी पहन सकते हैं और फॉर्मली भी। पहले जो आपने देखी थी सिल्वर, वो मल्टी थी और सिल्वर में थी, ये मल्टी में है और गोल्डन में है। जी दिस इज़ ऑल अबाउट माई एंकलेट कलेक्शन, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, कौन सी अच्छी लगी, और आपको पहनना पसंद है कि नहीं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलें जब आगे चलते हैं।
और यहाँ मैं दे रही हूँ चचा बस्ता की कचौड़ियों का रिव्यू। जो लोग लाहौर में रहते हैं इलामा इकबाल टाउन में, देसी घी की चचा बस्ता की कीमे वाली कचौड़ी जरूर ट्राई करें। ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी और वो मंगवाया करती थी रमज़ान में। इनफैक्ट वो जब भी इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करती थी वो उसमें भी देती थी। तो मैंने सोचा मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ। इससे ज़्यादा मज़े की कचौड़ी मैंने नहीं खाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी लोग लाहौर में रहते हैं। और जो नहीं रहते कोई बात नहीं, जब आएँगे तब खा लीजिएगा। तो